अभी जो आपने फोटो देखे उसके फोटोग्राफर का नाम है आदित्य मिश्रा। आदित्य मिश्रा ने बहुत बचपन से ही, छोटी कम उम्र से ही कैमरे को पकड़ा, फोटोग्राफी की, और उसकी फोटोग्राफी देखकर सभी बड़े दंग रह जाते थे। हार कर आदित्य के पिताजी श्री मिश्रा जी को निकोन का अच्छा कैमरा देना पड़ा, और उस कैमरे के बाद तो आदित्य ने जो कमाल किया उस कमाल को आप भी देखेंगे। तो आइए ऐसे एकदम युवा फोटोग्राफर से मिलते हैं, आदित्य मिश्रा से। अच्छा, ये फोटोग्राफी का शौक है, कैसे अब कब से शुरू हुआ? ऐसे फोटोग्राफी में मेरा बहुत पहले से ही इंटरेस्ट था। अच्छा, कह सकते हैं बचपन से ही इंटरेस्ट था, पर प्रैक्टिकली जब इसको परफॉर्म करना शुरू किया तो आज से करीब 4 साल पहले। शुरू तो फ़ोन से किए थे फोटोग्राफी करना, ऐसे इंटरेस्ट बहुत आता था। तो फैक्चुअली जो हुआ, एक बार मेरे भैया आए थे, तो फिर वो उनके पास अपना DSLR था, वो उनको अपना DSLR दिए और बोले कुछ फ़ोटो लेके आओ। उससे हम DSLR लेके बाहर गए, कुछ फ़ोटो लाए, वो फ़ोटो पता नहीं कैसा होगा जैसा होगा, लेकिन स्टिल उस प्रोसेस में उनको बहुत मज़ा आया। तो धीरे धीरे करके उसमें और आते गए, सीखते गए कि क्या होता है। इनिशियली कुछ पता नहीं था, इंटरेस्ट था पर कुछ करते नहीं थे। तो ये करीब 4 साल पहले, उसके बाद हम लोग के पास एक बहुत पुराना कैमरा हुआ करता था, उससे शूट करना शुरू किए। तो फिर ऐसे बिना किसी डिवाइस के, बिना किसी एक्सपीरियंस के जब शूट करना शुरू किए तो पूरे प्रोसेस में मज़ा बहुत आने लगा। और उसके बाद धीरे 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 इंटरेस्ट और बढ़ता गया, कुछ हद तक फ़ोटो क्वालिटी बढ़ता गया, उसके बहुत सारा चीज़ उस पर सीखे, और एट लास्ट आते आते ये फील हुआ कि मतलब जो फोटोग्राफी है, जैसे हम लोग किसी दूसरा आर्ट फॉर्म को देखते हैं, जैसे एक आर्टिस्ट पेंटिंग बनाता है, एक सिंगर गाना गाता है, उस टाइप से फोटोग्राफी को भी एक आर्ट फॉर्म की तरह देखना चाहिए। एक आर्टिस्ट अपने कैनवस पे, एक अपने पेंट ब्रश के थ्रू, जो अपने इमेजिनेशन से जो उसको मन करता है, जो वो समझता है दुनिया को, वो पेंट ब्रश से अपने कैनवस पे उतार देता है। अच्छा आदित्य, एक बात, आज कभी कैमरा बहुत जो है मुश्किल से लोगों के पास होते थे, आज जो है मतलब आपके एज में, एज ज़माने में हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में कैमरा है, और क्लिक करेगा तो कुछ ना कुछ आएगा ही, कैप्चर होगा। अब ये बताइए कि उस दौर से जो क्लिक किया और कैप्चर कुछ हुआ, और एक सोच समझ के कि क्या क्या लेना है, कैसे लेना है, है कितनी लाइट, कितना ये एपर्चर वगैरह, जो जो एक फोटोग्राफर जो होता है पेशेवर, वो तो वहाँ तक पहुँचने में मैंने शौकिया से कितने साल लगे, और अभी आप क्या क्या सोचते हैं, कैसे किस तरह से किसी फ़ोटो को आप कैप्चर करते हैं? कि आप बात तो बहुत सही, अच्छा बोले कि सबके पास अब हाथ में फ़ोन है, उसमें बहुत अच्छा कैमरा है, बहुत चेंज हो गया पूरा सिस्टम। जहाँ कैमरा बहुत कम हुआ करता था, सबके पास हो गया, कोई भी कहीं भी फ़ोटो ले सकता है। बट डिफरेंस अभी भी वही है कि जो सीरियसली फोटोग्राफी कर रहा है उसको अपने मन में एकदम क्लियर कट पता होता है हमको क्या फ़ोटो लेना है, मेरे फ़ोटो से हमको क्या दिखाना चाहिए, क्या मेरा सब्जेक्ट होगा फ़ोटो का, क्या मेरा बैकग्राउंड होगा, और उसको हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे। तो ये तीनों बात मन में क्लियर होता है जब, अगर हम सीरियसली फोटोग्राफी परस्यू कर रहे हैं, मेरे पास जब बहुत अच्छा गियर है उससे हम अगर परस्यू कर रहे हैं, तो हमको मन में क्लियर होता है हमको इस चीज़ का लेना है और हमको इस तरह से लेना है। तो एक डिफरेंस अपने आप क्रिएट हो जाता है कि एक शौक और एक सीरियस प्रोफेशन के तरफ बढ़ते हुए तो पूरा प्रोसेस अपने आप धीरे धीरे इवॉल्व करता आता है। अगर अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते हुए अभी फोटोग्राफी करते हैं, तो कितना समय अभी फोटोग्राफी के लिए देते हैं? ये फोटोग्राफी पे ऐसा टाइम लिमिट देके कभी फ़ोटो लेते नहीं, क्योंकि ये कोई कंपल्शन है नहीं कि हमको दिखाना है कि हम आज 1 घंटा फोटोग्राफी कर लिए, आज हम आधा घंटा फोटोग्राफी कर लिए, ऐसा कुछ नहीं। हमको कभी लगा कि सुबह के 4 बजे बहुत अच्छा सनराइज़ हो सकता है, तो हम उठ के 3 घंटा उस पर लगाए और देखें कि कितना अच्छा सनराइज़ हम उसको कैसे शूट कर सकते हैं।
इसी तरह अपने मन में हमेशा जब भी कुछ अच्छा दिखता है, फील होता है, तो उसको शूट करना, उसको एक्सप्रेस करना, इस पे टाइम बॉन्ड ये सब कुछ करते नहीं है, क्योंकि टाइम बॉन्ड करेंगे तो थोड़ा कंपल्शन टाइप का चीज़ आने लगेगा। जी, ये करने में मज़ा आता है तो टाइम का भी फील ही नहीं होता है इसमें। जब फील होता है कुछ लेना चाहिए तो उस कैमरा उठा लेते हैं। अभी आपके पास कौन सा कैमरा है? अभी मेरे पास निकॉन का DSLR है, इसका मॉडल है D3400। ये निकॉन का DSLR का एंट्री लेवल DSLR होता है, कि जो सीखना चाह रहा है उसके लिए ये परफेक्ट उस टाइप का दिया है। क्या क्या इसमें विशेषताएं, क्या क्या है, क्या क्या खासियत है? एक क्या DSLR में इसका मेनली दो चीज़ होता है सबसे बेसिक, पहला होता है इसका एक बॉडी और दूसरा होता है इसका ये लेंस। लेंस? एक बॉडी एक लेंस, दोनों का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो इस जो गियर हम यूज़ कर रहे हैं इसमें ये बॉडी है, इसमें एक लेंस होता है जो पास का चीज़ हम लोग कर सकते हैं, इससे शूट कर सकते हैं, और मेरे पास दूसरा लेंस है जिससे दूर का चीज़ शूट कर सकते हैं। तो फिर ये दोनों का अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है। और एक और तीसरा गियर है मेरे पास, वो ट्राईपॉड है, तो वो टाइम लैप्स या फिर एक सिंगल सब्जेक्ट को बहुत टाइम तक हम मॉनिटर कर रहे हैं तो उसको करने में काम आता है। तो आप जो अभी फोटोग्राफी करते हैं वो स्टिल शुरू करते हैं या वीडियो भी करते हैं? मेरा बेसिक जो उसका फोकस होता है तो खाली स्टिल फोटोग्राफी भी होता है और वीडियोग्राफी भी उसका एक पार्ट हो सकता है, लेकिन मेरा जो सबसे एक्साइट करता है जो हमको और जिसको हम परफॉर्म कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, वो स्टिल फोटोग्राफी है। तो आइए देखते हैं कि आप एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किसी चीज़ को आप कैप्चर कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ सामने हम लोग के रोज़ का पौधा है, उसमें कुछ फूल हैं, उसको हम लोग शूट करने की कोशिश करेंगे कि सबसे बेस्ट तरीके से कैसे उसको कैप्चर किया जा सकता है। तो यहाँ सबसे पहले इसका एक फैक्टर होता है कि जितना हो सके उतना हम उस सब्जेक्ट के पास जाएं। तो यहाँ हम लोग और पास जा नहीं सकते, इस वजह से यहीं से शूट कर रहे हैं। यहाँ मेरे पास जूम है तो फिर एग्जैक्ट उस पर आ गए, फिर उस फ्लावर पे हम लोग फोकस किए, उसके पास गए। तो यहाँ DSLR है मेरे पास, इस वजह से हम इस पर मैनुअल पे शूट कर रहे हैं, ताकि फोटोग्राफी पे तीन एस्पेक्ट होता है जिसपे हम एक फ़ोटो को कंपोज करते हैं। पहला होता है शटर स्पीड, कि जिस स्पीड से यहाँ अंदर शटर है लाइट आई सेंसर पे गिरने पे किस स्पीड से शटर खुलेगा बंद होगा। दूसरा होता है अपर्चर, ये एक कह सकते हैं कि हम लोग का जो ये लेंस है, लेंस के सामने यहाँ एक पर्दा टाइप का होता है कि वो पर्दा कितना खुलेगा और लाइट कितना आने देगा। तो अपर्चर सेट करते हैं कि पर्दा कितना खुले कितना बंद हो। और तीसरा होता है ISO, ISO होता है कैमरा का सेंसिटिविटी, कि वो लाइट के लिए कितना सेंसिटिव है और कितना कम लाइट पे कितना ज़्यादा एक्सपोज करता है, कितना ज़्यादा लाइट पे कितना ज़्यादा एक्सपोज करता है। तो बेसिकली यही तीन चीज़ फैक्टर होता है। तो हम लोग इस पर फोकस किए। अब यहाँ हम लोग एक और चीज़ देखेंगे कि हम लोग अपने मन में इस पूरे सीन को एक 3x2 या 3x3 के ग्रिड में डिवाइड करेंगे। उससे हम लोग जब भी चाहेंगे कि कोई अच्छा फ़ोटो लेना है तो हम लोग सेंटर में फ़ोटो को नहीं रखेंगे, अपने सब्जेक्ट को नहीं रखेंगे, क्योंकि उससे उतना बढ़िया लुक और विजुअल इफेक्ट नहीं आता है। या तो हम लोग राइट साइड रख सकते हैं या तो लेफ्ट साइड रख सकते हैं। तो यहाँ हम डिसाइड किए कि अपने फ़ोटो को, अपने सब्जेक्ट रोज़ को थोड़ा राइट में रखते हैं, इसके फोकस को एडजस्ट करते हैं, इसको राइट में ला दिया, और मेरा सब्जेक्ट होगा मेन फूल और बैकग्राउंड होगा हम लोग का दूसरे पेड़ का पत्ता और एकदम क्लियर ब्लर बैकग्राउंड जिससे डेप्थ का फील आएगा। ये सब सेट, इस पर अब हम लोग देखेंगे हम लोग का फ़ोटो ज़्यादा डार्क है या तो ज़्यादा ब्राइट है। ये सब शटर स्पीड एडजस्ट करना है, शटर स्पीड एडजस्ट करके इसको इनफ ब्राइटनेस देने के बाद एक परफेक्ट शॉट। हर जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसके दो पहलू होते हैं।
थ्योरी और प्रैक्टिकल, सिद्धांत और व्यवहार। तो प्रैक्टिकल तो आप कर पहले से शुरू कर चुके हैं, थ्योरी पे भी आपने ध्यान दिया है, थ्योरी का भी अध्ययन कर रहे हैं। ये फोटोग्राफी में एक ऐसा हम समझ सकते हैं, इसका जो दो पहलू थ्योरी और प्रैक्टिकल है, ये दोनों आपस में बहुत इंटरकनेक्टेड है। जो भी हम लोग थ्योरी समझेंगे या फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो फिर वो अपने फोटोग्राफी में बहुत इंस्टेंट रिफ्लेक्ट होगा और तुरंत पता चल जाएगा हम लोग को। इसका थ्योरी में फोटो किस चीज़ से बनता है, वो कैमरा का सेंसर कैसे कैप्चर कर पाता है उसको, एक फ़ोटो का किस क्या कंपोजिशन है, वो किस किस चीज़ के कम्बिनेशन से एक परफेक्ट फोटो बनता है, तो इसमें थ्योरी का कुछ पोर्शन इसका ये होता है कि जब भी ये कैमरा और कैमरा के तौर पे इसका आइडियल, दो तरह का कैमरा हम लोग देखते हैं जो प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। पहला ये जो DSLR है, इसका DSLR का मतलब होता है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्शन। तो मतलब ये पहले SLR होता था, इसका मॉडर्न वर्जन होता है DSLR। तो इसमें लाइट आती है इसके थ्रू, इस लेंस के थ्रू लाइट आती है, फिर यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होती है, ऊपर जाती है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है और इस व्यू फाइंडर से हमको दिखता है जो सामने हो रहा है। फिर इसके जस्ट इस साइड एक सेंसर है और यहाँ पे एक शटर होता है, जैसे क्लिक करते हैं हम लोग तो फिर वो शटर उठता है कुछ सेकंड के लिए और फिर गिर जाता है। तो उस पैन में जितना लाइट उस सेंसर में पड़ा, उसको वो सेंसर कैप्चर करता है, सेंस करता है किस किस टाइप का लाइट पड़ा, कौन कौन वेवलेंथ का लाइट पड़ा, और उसको एक फोटो में रिफ्लेक्ट करता है। तो फिर ये था उसका शटर और बेसिक मैकेनिज्म। फिर फोटोग्राफी में और दो की एस्पेक्ट होता है, एक तो शटर का, उससे हम लोग को मिलता है शटर स्पीड, कि हम लोग कितना जल्दी एक शटर को गिराएं और कितना कैसे कंपोज करें फोटो को, जितना जल्दी हम लोग शटर को गिराएंगे। एक बार बताइए कि फोटोग्राफी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। फोटोग्राफी में बेसिकली तीन एलिमेंट्स हैं, वो एक फोटो कंपोज जब कर रहे हैं तो तीन एलिमेंट्स को ये पहले बोल चुके हैं, ये इसका एपर्चर होता है, इसका शटर स्पीड होता है और इसका ISO होता है। ये तीन एलिमेंट है जिसपे एक फोटो कंपोज होता है। और फोटोग्राफी बेसिकली इसमें तो बहुत सारा फैक्टर होता है, वाइट बैलेंस होता है और बहुत सारा चीज़ होता है, लेकिन एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये तीन चीज़ अफेक्ट करता है। और दूसरा होता है इसका फोकस। हम लोग के पास ये लेंस है, इस लेंस में एक रिंग दिया रहता है, इस रिंग से फोकस होता है ऑब्जेक्ट कितना पास रखना है, कितना दूर रखना है और कितना फोकस करना है। तो जैसे ये रिंग को गोल घुमाएंगे, इसके जूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट को फोकस करना है उसको ध्यान से देख के रिंग को सेट करना होता है और ताकि फुल फोकस आए। आप किन्हीं फोटोग्राफर को, चाहे इंडियन हो या इंटरनेशनल लेवल के, उनको आप फॉलो करते हैं? ये फोटोग्राफी में हम लोग का एक बहुत सारी जगह पे एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पूरे दुनिया भर के फोटोग्राफर्स अपना बेस्ट कलेक्शन दिखाते हैं और हम लोग आपस में एक दूसरे को रेट करते हैं, सजेशंस मांगते हैं, वो वहाँ के जो प्रोफेशनल्स होंगे वो हम लोग को सजेस्ट करते हैं, हम लोग उनसे सीखते हैं और आपस में एक प्लेटफॉर्म क्रिएटेड होता है। तो उससे बहुत सारे टॉप लेवल के फोटोग्राफर्स, अब किसी एक नाम बोलना तो पॉसिबल नहीं क्योंकि वहाँ एक से बढ़कर एक है, तो सबके एक्सपीरियंस है और सबके थोड़े थ्योरेटिकल नॉलेज और थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उसी में एक प्लेटफॉर्म है नेशनल ज्योग्राफिक का, NatGeo डेली शॉर्ट्स होता था और एक NatGeo का अपना फोटोग्राफी कंपटीशन और एक प्लेटफॉर्म वो लोग देखे रखे थे। तो वहाँ पे उन लोग के एक्सपर्ट्स, जैसे एक एंट्री आया फोटो का, उन लोग के प्रोफेशनल फोटोग्राफर, फोटोग्राफी के एक्सपर्ट्स हम लोग के फोटो को रिव्यू करते हैं और उस पर अपना कमेंट देते हैं कि इसको और कैसे बेटर किया जा सकता है। तो एक तरह से एक इन जनरल किसी आदमी को आइडल बनाने के बजाय ये पूरे प्लेटफॉर्म में कई लोग ऐसे सपोर्ट करते हैं उनको कि वो लोग रिव्यू करते हैं, वो लोग सजेशंस देते हैं और बेटर कैसे हो सकता है। तो कभी इस तरह की जो रेटिंग वो लोग देते हैं तो
आपके कितने फोटोग्राफ्स को अच्छी रेटिंग मिली, आप कौन सी रेटिंग मिली आपको? इसमें से एक वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है जहाँ दुनिया भर के सारे फोटोग्राफर्स अपना बेस्ट कलेक्शन देते हैं, तो उसमें मेरी फ़ोटो को 22nd रैंक आया था वर्ल्ड वाइड में। एंट्री कितनी थी? एंट्री उसमें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता, पर अराउंड 500 होनी चाहिए। 500 में आपका 22nd, ट्वेंटी फर्स्ट 22nd 22nd इंटरेक्शन भी होता है, मतलब आप इंटरेक्ट भी करते हैं उन लोगों से जो जो प्लेटफॉर्म पे जो आते हैं, या सीनियर जो फोटोग्राफर होते हाँ, हैं? जैसे कोई फोटो अपलोड की, अगर उन लोग को उसमें कोई फ्लॉ दिखी तो फिर वो उसको हमको वो तुरंत बता सकते हैं। बहुत सारे लोग बताए भी हैं इसको बेटर वे में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उस तरह से फोटो इन्हेंस कैसे करें वो लोग सजेशन देते हैं। और एक बहुत इजी मोड हो जाता है एक प्लेटफॉर्म में आने के बाद, जब हम दोनों को पता है कि हम लोग को सेम फोटोग्राफी करना है, किस चीज़ का लेने वाले हैं और किस बारे में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने फोटो से, तो वो लोग उसमें सजेशंस के थ्रू और इस तरह बहुत सारा फायदा कह सकते हैं होता है एक सिंगल प्लेटफॉर्म में आने का। अच्छा, उस प्लेटफॉर्म पे कोई एज लिमिट तो नहीं होगा? तो जो नहीं, लोग पहले जैसे आते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग वो सीनियर भी होंगे, कभी आपकी उम्र के बारे में पूछा कि आप कितने कितने साल के हैं, आपकी उम्र क्या है? ये क्वेश्चन तो कभी किसी ने पूछा नहीं, पर मेरे ख्याल से जहाँ भी जिसको भी देखा मैंने, तो वो लोग मोस्टली प्रोफेशनल्स ही थे अपने फील्ड के, और प्रोफेशनल्स तो 30 साल से ऊपर ही होंगे, तो फिर एज फैक्टर तो कभी आया नहीं उन क्वेश्चन में। नहीं, फैक्टर आने की बात नहीं है, इंटरेक्शन के दौरान कभी कभी होता है, या कोई फॉर्म वगैरह होगा कोई, आप फिलअप करते होंगे तो हाँ, एज ये बताते बहुत होंगे। सारे नेशनल ज्योग्राफी के सारे फॉर्म में क्वेश्चन वो लोग भी देते हैं कि आपका एज क्या है, तो वहाँ जैसे मेरा 15 है ना, तो फिर उसमें वो लोग ऑब्जेक्ट तो नहीं करते हैं, लेकिन स्टिल उन लोगों के थोड़ा अनकॉमन हो जाता है कि वैसा बहुत कम एंट्री होता ऑब्जेक्ट है। के बदले अप्रिशिएट भी तो कर सकते हैं कि इतनी कम उम्र में इतने अच्छी फोटोग्राफी कर रहे हो, है कि नहीं? तो आप आइडियल आपके आपकी नहीं को अपना आइडियल नहीं बनाया ऐसे एक पर्सन को तो आइडियलाइज नहीं करते हैं, है? लेकिन जैसे बोले कि उस प्लेटफॉर्म में बहुत सारे लोग अपना सजेशन देते हैं, तो फिर वैसा फील नहीं होता है किसी एक को फॉलो करना, और ऐसे फॉलो तो बहुत सारे लोग अच्छा, करते कुछ हैं। नाम बताएंगे इंडिया के, कुछ इंडिया के बाहर के जिनको आप फॉलो करते हैं, अब उनकी फोटोग्राफी आपको पसंद आती है? ये इंडिया के बाहर के एक फोटोग्राफर है, एक यूट्यूबर है, उनका नाम MC केले शायद है, एक कंफर्म करना पड़ेगा। और बेसिकली उन्हीं को मोस्टली फॉलो करते हैं, वो यूट्यूबर भी हैं, तो साथ साथ कैसे इन्हांस करना चाहिए इस सब पे वीडियोस भी बनाते हैं, और अपने फोटोग्राफी प्लेटफॉर्म बहुत एक्टिव है वो। अच्छा, उस जिस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं, उसमें आप अपने जो फोटोग्राफ, कितने फोटोग्राफ आपने अब तक अपलोड किए हैं? मेरे जैसे ये DSLR से फोटोग्राफी करते हुए मुझे 2 साल हो गया, और इन जनरल फोटोग्राफी करते हुए करीब 4 साल हो गया, तो उससे सारा अपना फोटोज को सॉर्ट कर। तो आप फॉलो, मतलब फॉलो करते हैं लेकिन आइडियल आपके कोई नहीं है। अब ये बताएं कि कोई अवार्ड आपको किसी तरह का अवार्ड मिला है, या आप किसी कंपटीशन आपने हिस्सा लिया है, आपके फोटो को आपकी चीज़ों को जो है अवार्ड दिया गया हो, ऐसा कुछ हुआ है? ये अवार्ड फैक्टर वाला बात तो बहुत हम बहुत जगह अप्लाई किए हैं, जहाँ ये फोटोग्राफी ऑफ ईयर्स अवार्ड के तौर पे दिया जाता था, पर मेरा वहाँ कम्पीट हुआ नहीं है। अच्छा, आप किस तरह की फोटोग्राफी करना चाहते हैं, या किस तरह के फोटोग्राफर बनना चाहते हैं? ये मेरा सबसे बेसिक इंटरेस्ट है नेचर फोटोग्राफी में, जी उसमें से एनिमल फोटोग्राफी, हम्म, और
इसी में अगर फ्यूचर में करना हो तो फिर ये नेचर फोटोग्राफी और इसमें इन पार्टिकल एनिमल फोटोग्राफी परस्यू करना चाहेंगे। जी ठीक। ये पपीता का पेड़ है, ये थोड़ा सा अनयूजुअल लग रहा है, तो ये आपको खींचता है कि फोटो मेरा खींचो? हाँ बिल्कुल, इसमें जैसे इसको देखें, इसमें हमको इसका बहुत सुंदर फूल दिखा उसके पीछे, उस पर जब हम और ध्यान से देखें उसमें बारिश हो रही है तो उसमें बूंद दिख रहा है फूल पे झूलता हुआ, और फिर चींटी चल रही है उस पर। तो इस तरह से बहुत सारा नेचर का कंपोनेंट एक साथ एक फोटो में आता है, और ये देखिए पूरा प्रोसेस है। तो इसमें इसके देखें मेरे, हाँ इसमें एक ऐसा फोटो हुआ, फिर इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो तो दूसरा पहलू है जो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इस तरह का चीज़ अपने अट्रैक्ट करता है, क्यों? क्योंकि ये पूरा नेचर का ऐसा फिनोमिनन और पूरा ये स्विमिंग पूल है, पानी नहीं के बराबर है, ऐसे कुछ पत्ते हैं, इसको किस तरह से आप कंपोज कर सकते हैं, या इसमें क्या आपको कुछ लगता है इसमें एलिमेंट है, मतलब सब्जेक्ट ये बन सकता है? तो इसमें अगर इस एग्जांपल के तौर पे देखें तो ये हमको पत्ता इस तरह से दिख रहा है, तो इसका अगर हम लोग कहीं भी साइड से फोटो लेते हैं तो फिर इसका उतना बढ़िया व्यू नहीं दिखेगा, और हम लोग का सब्जेक्ट अगर मेन पत्ता है और बैकग्राउंड फूल का टाइप है हाँ। तो फिर हम लोग को वही दोनों को मेनली फोटो में रखना चाहिए। तो फिर हम इसको चाहेंगे कि इसे एकदम एग्जैक्ट टॉप से लें ताकि उसी का पूरा व्यू आए और अलाइन हो पूरा फोटो। हाँ तो फिर इस तरह से इसका कुछ फोटो आना चाहिए कि एकदम टॉप से ले रहे हैं और पूरा अलाइन हो, और ऐसा कुछ फोटो आएगा तो इसमें हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं फोटो से ये होगा कि एक पत्ता गिरा हुआ है, और इसमें कैसा एक यूनिफॉर्मिटी है नेचर में कि तीन टाइप से निकला है, पूरे पेड़ का सारा पत्ता इसी टाइप में होगा, इसका कैसा एक ही पार्ट दिख रहा है, और गिरने के बाद इसका नीचे का पोर्शन येलो होते होते ऊपर जा रहा है और ये पानी में हल्के पानी में फ्लोट कर रहा है। तो इतना सारा चीज़ एक सिंपल सा चीज़ जो कि नोटिस नहीं करते होंगे लोग, उससे रिप्रेजेंट हो जाता है। तो ये बताएं कि सबसे सबसे अच्छा सीजन मौसम फोटोग्राफी के लिए कौन सा है? ऐसे तो फोटोग्राफी के लिए हर मौसम भी बहुत अच्छा है, उसमें कुछ ना कुछ नया वैरायटी आती है, उसमें कुछ नई चीज़ आते हैं, पर ऐसे स्प्रिंग और मॉनसून वाला सीज़न, मॉनसून सीज़न ये बहुत सारा चेंज एक बार में आता है, तो फिर इन फोटोग्राफी के एस्पेक्ट से बहुत सुंदर हो सकता है। मानसून, कभी तो मॉनसून मानसून और स्प्रिंग, है स्प्रिंग और मॉनसून, स्प्रिंग और मानसून, कभी तो हम मानसून में हैं, तो ये तो हुआ। अच्छा टाइम कौन सा, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट? ये टाइम जिस चीज़ की फोटो ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, पर मोस्टली हम लोग जब भी फोटोग्राफी करते हैं तो हम लोग ये मन में रखते हैं कि एक बहुत ब्राइट नहीं हो जाए अपना फ्रेम, तो एकदम दोपहर के टाइम पे फोटो लेना अगर ऐसे सब्जेक्ट का ले रहे हैं तो लाइट बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग चाहेंगे कि उस समय प्रेफर नहीं करें, और फिर उसके लिए हम लोग या तो सुबह प्रेफर करें जैसे अभी का मौसम है, तो उससे हल्की लाइट आएगी, हल्का थोड़ा कलर टाइप भी आता है उससे, और फिर या तो शाम प्रेफर करेंगे हम लोग। तो ये तो बहुत वैरी करता है कि किस चीज़ का फोटो ले रहे हैं हाँ। उस पे, पर मोस्टली ये दो टाइम बहुत बेनिफिशियल होता है कोई अच्छा फोटो कंपोज करने के लिए। अभी मानसून भी है, मॉर्निंग के टाइम भी है, इस हिसाब से अभी आपको इस कंपाउंड में और क्या चीज़ आपको लगता है कि उसको उसको क्लिक करना चाहिए? जैसे कि अभी उस देखेंगे तो फिर उस साइड बहुत अच्छा फूल खिला हुआ है, तरफ अच्छा तो फिर मानसून होने की वजह से रेडी।
ये जो सब्जेक्ट आप आपने कहा कि अचानक मिल भी जाता सोचते हुए, तो कोई ऐसा वाक्या हुआ कि आप चल रहे हैं, आपको चीज दी गई बहुत जल्दी में है लेकिन फिर भी रुक के आपने उसको क्लिक किया हो? ऐसा बहुत बार हुआ है, पर ऐसा एक बार हुआ था जब जैसे फोटो उनको बहुत अच्छा मिला था। वो गुजरात में थे हम लोग, वहाँ पे एक बीच है मांडवी बीच, और उसके बगल में वेटलैंड टाइप का जगह है जहाँ पे फ्लेमिंगोज आई हुई थी। तो हम लोग पास कर रहे थे वहाँ से अपनी कार में, तो उसी के दौरान दिखा बहुत दूर से कि वहाँ फ्लेमिंगोज है। तो फिर एक पूरा फ्लॉक था हम लोग का, ग्रुप था, और फिर वहाँ गाड़ी रोक के हम लोग उतरे नीचे। तो वो जगह बेसिकली उतरने के लिए था नहीं, वो शिप ये सब के लोडिंग एंड लोडिंग का अच्छा, होगा या फिर उसी टाइप के काम के लिए था। तो आदमी के जाने के लिए वो कोई जगह बना हुआ था, पर शिल्के से तरह नीचे उतर के तो पूरा कीचड़ वाला जगह था, धूप थी पूरी। और तो वहाँ धीरे धीरे पास जाते जाते, एक्चुअली फिल्म बहुत दूर थी तो बढ़िया शॉट लेंगे, धीरे धीरे पास गए कि उड़े भी नहीं। जाते 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 बहुत टाइम लगा, घंटों लग गया उसमें, पर एक पॉइंट के बाद धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते इसके बहुत करीब पहुँच गए और बहुत अच्छा शॉट मिला उससे। तो ये अचानक से, जैसे आप पहले बोलते हैं कि प्लान करना होता है, तो ये जरा ही प्लान नहीं था, पता भी नहीं था कि वहाँ फ्लेमिंगोज भी होती है। पर उसके बाद भी जब इंस्टेंट दिखी और उस पर थोड़ा टाइम लगाया तो फोटोज़ अच्छे मिले, फिर पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो इस तरह बहुत बार होता है कि कुछ अच्छा सब्जेक्ट दिख जाए तो उसके पीछे अपने अट्रैक्ट रहते हैं। और कहीं और कोई घटना? और कहीं यहाँ देवघर में बहुत बार, जैसे हम लोग के यहाँ जब बहुत सारा तालाब है तो वहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स आया करती हैं विंटर में। तो ऐसे तो जैसे आप बोले कि कोई टाइम नहीं होता है, ऐसे पूरे साल कुछ ना कुछ होते रहता है नेचर। तो ये विंटर का टाइम तो होता है कि माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, तो वो लोग का पूरा बहुत बड़ा ग्रुप होता है। एक वो लोग लेक में सेटल करते हैं और से एक छोर से दूसरे छोर उड़ते रहते हैं, बैठते रहते हैं, अपना प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। तो उसी में इस फोटो में हम लोग चाहेंगे कि इसमें लाइट जिस तरह से पड़ रही है उसको बहुत अच्छे तरीके से डिपेक्ट करता है। तो फिर इसके लिए हम लोग मैनुअल में आके इसके कुछ कंट्रोल्स को खुद कंट्रोल करेंगे और चाहेंगे कि इसका लाइट बहुत अच्छे से कंट्रोल हो। तो फिर जैसे इसको सब्जेक्ट मानते हैं, तो इसमें हम लोग चाहेंगे कि ये जो सुबह का मौसम है और हल्की हल्की रोशनी आ रही है इस जगह पे, तो फिर इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसके रोशनी को रिप्रेजेंट कर पाएँ, डिपिक्ट कर पाएँ। उसके लिए हम लोग इसमें मैनुअल सेटिंग्स करेंगे जहाँ जो तीनों एस्पेक्ट है फोटोग्राफी का खुद कंट्रोल करना है। इसके शटर स्पीड को गिरा के या बढ़ा के हम लोग इसके लाइट को कंट्रोल करेंगे और फिर उससे बेहतरीन शॉट लेंगे जिससे पूरा इसका एक पार्ट लाइट में है और एक पार्ट थोड़ा डार्कनेस में। तो इसको कितने अच्छे से हम लोग दिखा पाते हैं और बहुत सुंदर फोटो को कर सकते हैं। ये वट वृक्ष जो है, उसका तना जो है वो आम जो वट वृक्ष होते हैं वैसा नहीं, तो ये आपको नहीं कहता कि आपको अट्रैक्ट नहीं कर रहा? ये बहुत अनकॉमन चीज़ है। हाँ और ये दूसरे पेड़ पे जहाँ तक मेरी समझ से चढ़ के अपना अपने को कर रहा है, इसका जो पूरा जड़ का सिस्टम, इसका जो पूरा तना है वो बहुत साल हो सकता है पुराना हो, तो इसका जिस तरह से पूरा अलाइन किया हुआ है बहुत सुंदर है। इसको लेने के लिए फिर से लाइट फैक्टर बहुत बड़ा आएगा क्योंकि इसमें बहुत ऊबड़ खाबड़ सरफेस है, तो कुछ जगह ज़्यादा लाइट पड़ती है, कुछ जगह कम लाइट पड़ती है। तो उसको जैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर ज़्यादा लाइट कम लाइट का जो कंपोजिशन होगा बहुत सुंदर ला सकते हैं, कि जैसे पेड़ अपने आप को ट्विस्ट एंड टर्न करके ऊपर बढ़ा है, तो इसका बहुत अच्छा एस्पेक्ट हो सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, कैसे लेंगे? इसमें जैसे कि हम लोग पहले उसको लिए, उसके बाद इसको फोकस किए, उसके बाद इससे हम लोग इसका फोकस को एडजस्ट किए, सेट किए, फिर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग इसका शटर स्पीड देखेंगे, इसको घटाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम लोग को पूरा इसमें लाइट एंड डार्कनेस वाला फैक्टर चाहिए। जो लाइट है
उसको बेहतरीन और जो डार्कनेस में उसको बेहतरीन देना है। इसके बाद इसका ISO को हम लोग चाहेंगे कि वो थोड़ा घट जाए, और ये सब और ये दोनों कंपोज करते हुए एक शॉट हम लोग ले सकते हैं। शुरू करना चाहते हैं उनको किस उम्र में फोटोग्राफी शुरू करनी चाहिए? फोटोग्राफी शुरू करने के लिए कोई एक फिक्स उम्र तय नहीं है या कोई तय कर नहीं सकता है। तो जब आपको लगे कि ये सब्जेक्ट बहुत आपको अपील कर रहा है, आपके इंटरेस्ट को बहुत सूट कर रहा है, अपना किसी कंपल्शन के आप पूरा प्रोसेस इंजॉय कर रहे हैं, अब कभी भी आप शुरू किए करिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप कुछ टाइम उसको परस्यू करिए, उसके बाद आप खुद को एवेल्युएट करिए कि आपको पूरे प्रोसेस में मज़ा आ रहा है, आप खुद पूरा काम कर रहे हैं, और उसके हिसाब से फ्यूचर डिसीजन खुद लीजिए। और वैसा बिना गियर के शुरू करना में भी कोई बात नहीं है, कम एज में शुरू करने का भी कोई बात नहीं है। तो इस वजह से जब सही लगे, जब इंटरेस्ट आए, तब कैसे भी शुरू कर सकते हैं। अब आखिरी प्रश्न कि अब तक का जो कलेक्शन है आपका, उस कलेक्शन को लेकर कोई एग्जीबिशन करने की योजना है आपकी? एट प्रेजेंट तो ऐसा कोई थॉट है नहीं, क्योंकि यहाँ उतना बड़ा मतलब अगर लोकली देखें तो फिर उतना बड़ा प्लेटफॉर्म कहीं होता नहीं है जहाँ इसको रिप्रेजेंट किया जा सके। और अभी इस पर हमको लगता है और बेटर शॉट्स ले सकते हैं, तो इसको कलेक्शन को और एक्सपैंड करना चाहिए रादर देन इसको एग्जिबिट करना करने के कंपनी। तो अभी अच्छा, ये आपके पास कितना कलेक्शन है अभी? फ़ोटोज़ तो ऐसे कई हज़ारों लिए होंगे, पर उसमें से बहुत अच्छा सेलेक्ट करना हो, सबसे अच्छा चूज़ करना हो, तो टॉप 25, 30, 40 फोटोग्राफ्स मेरे बहुत अच्छे होंगे। बहुत डाइवर्स है, कोई कहीं लिया गया है, कोई कहीं लिया गया है, कोई कुछ सब्जेक्ट का है, कुछ और सब्जेक्ट का है दूसरा, बहुत डाइवर्स है, पर सब अपने में इन यूनिक है। तो अभी मैं एकदम होनहार और युवा से 15 साल के हैं आदित्य से बात कर रहे थे, जो कि अपने फोटोग्राफी भी जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है और अभी इस मोड़ पे खड़े हैं, वो तय करेंगे कुछ साल बाद कि उसको प्रोफेशन बनाया जाए कि नहीं, लेकिन उनके जीवन का हिस्सा यह है। तो चलिए इसके साथ ही हम विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे एक अच्छे फोटोग्राफर के रूप में आएंगे और अपने शहर देवघर का, झारखंड का, पूरे भारत का नाम रोशन करेंगे।